दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गई। अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चलेगा, तुम भी चले जाओगे, सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। सभी को जय श्री राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन कल एक प्रोग्राम के दौरान एक सनातन हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट करता है और कहता है कि सनातन हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसा है, लेकिन इन बीमारियों को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म को जड़ से खत्म करना है, ये इसकी तरफ से बयान आया है। आज मुझे लगता है कि जो मुंबई में इंडिया फ्रंट का जो गठबंधन है उसकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये लोग यही डिसाइड करे होंगे कि देश में किस तरह से हिंदुओं को टारगेट करना है, सनातन संस्कृति को खत्म करना है और देश में दंगे फसाद कर किस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ये राजनीति ये लोग यहां पर बैठकर करे होंगे। इसलिए तुरंत 24 घंटे में ही उदयनिधि स्टालिन का ये बयान आता है। आज उदयनिधि स्टालिन को मैं कहना चाहता हूं और तमिलनाडु की तमाम जनता से भी कहना चाहता हूं कि जहां पर ये मिले उसको रोक कर पूछो कि तुम्हारा जो नाम है ये भी सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदुओं का नाम है। अगर तुम वाकई में ही किसी और धर्म में परिवर्तन हुए हो या क्रिश्चियनिटी में चले गए हो, एक बार अपने बाप दादाओं के कब्र पे जाओ, अपने पूर्वजों के कदर पे जाओ और कब्र पर जाके कान लगाकर पूछो कि तुम किस धर्म में पैदा होंगे। वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे बाप दादा बोलेंगे कि तुम हिंदू को पैदा हुए और हिंदू की औलाद रहकर नाजायज किसी और धर्म को मांगने का काम तुम कर रहे हो। आज देश भर में तमाम हिंदुओं के दिलों में एक आग सी लगी हुई है। आज ये राहुल गांधी हो या TRS पार्टी हो या कितने भी दल हो, कोई अगर ये कहता कि इस्लाम को खत्म करना है, कोई अगर कहता कि क्रिश्चियनिटी को खत्म करना है, तो ये तुरंत बाहर आते और उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन हम सनातन हिंदू धर्म इस देश में तमाम धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह का ये जो बयान आना और ये लोग खामोश बैठना बड़े शर्म की बात है। साथ ही साथ ये जो उदयनिधि स्टालिन है, जब शपथ लेते समय सबको सम्मान देने की बात करता है और सम्मान के बजाय धर्मों में बांटने का काम करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इमीडिएट या मुख्यमंत्री स्टालिन हो या उदयनिधि हो, दोनों को इस्तीफा देना है। इस्तीफा देकर वहां की पूरे सनातन हिंदू धर्म के तमिलनाडु के साथ साथ देश भर के तमाम हिंदुओं के पैर की जूती पर आकर माफी मांगना है। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। मैं आपका लड्डू यादव। ये वीडियो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लौंडे के लिए बना रहा हूँ, जो कि एक मंत्री है तमिलनाडु का, स्टालिन का बेटा। कल वो कमेंट कर रहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना वायरस जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। अरे लौंडे, तेरे को पता नहीं है ये दुनिया में जो भी जन्म लेता है सनातन धर्म में ही लेता है, उसके बाद अपना अपना कार्यक्रम करके, कोई पानी ना के कोई दूसरी चीजें करके धर्म बदलता है। तेरे को पता नहीं है सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म खत्म करने के लिए ना तुम्हारे पूर्वज कर सके, ना आने वाले तुम्हारे पीढ़ी कर सकेंगी। सनातन एक ऐसा धर्म है जो कभी अंत उसका है ही नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ लौंडे, तेरे को अगर तो हैदराबाद में होता ना, तेरे को घसीट के लाके बताते थे सनातन धर्म क्या है। ये तो तू खुशनसीब है जो तमिलनाडु में है, अगर भाग्यनगर में होता ना, तेरे को बताता था सनातन धर्म क्या है। सीधा सनातन धर्म के बारे में जो बोला वो बहुत गलत है। माफी मांग हमारे पूरे हिंदू सनातन धर्म से,
नहीं तो ते को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ते को जो भाषा में समझ में आएगा वो भाषा में समझाने के लिए हर हिंदू तैयार है। मैं सभी मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, इनके 400 साल मुगला राज करे, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे भगवानों को खंडित करे, सनातन धर्म खत्म करने के लिए वो कुछ बाल बाका नहीं हुआ, मगर ये लोग क्या खत्म करेंगे पूछना चाहता हूँ। हम सब एक होने की आवश्यकता है, हम सबको एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। ये स्टालिन का बेटा पढ़ा लिखा है, जो पढ़ के बोल रहा है, कोई इसकी टंग स्लिप नहीं हुई, इन्हें होना बोल के बोला है। और इनकी जो सरकार, मतलब जो इनका महागठबंधन है एनडीए तो INDIA का, ये सब सोची समझी साजिश करके सनातन धर्म को नष्ट करना और हिंदुओं को बर्बाद करना, हिंदू धर्म खत्म करना बोल के ऐसा प्लान कर रहे हैं। मैं सभी मेरे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सबको एक होना है, हम सब एक होकर इसको जवाब देंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे DMK नेता उदय निधि का पुतला है, आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं, जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2,500 वर्ष से कुछ जो है मजहब पंथ धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है, सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूँ, जो DMK नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते, यहाँ तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है, लेकिन हम मानवतावादी हैं लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं, और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा।